नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार की जनसुनवाई में अधिकांश जमीन और फर्जी रजिस्ट्री संबंधित मामले आए। जनसुनवाई में अधिकतर मामले भूमाफियाओं और फर्जी रजिस्ट्री संबोधित प्रकरण आए, जिसमें अधिकारी ने संबंधित SDM को जांच के निर्देश दिए। इस दौरान अपर कलेक्टर पवन जैन ने बताया कि जिस प्रकार जिला प्रशासन द्वारा अयोध्या पुरी पुष्प विहार की भूमाफियाओं पर कार्रवाई कर प्लॉट धारकों को प्लॉट दिलाए गए हैं, इससे अन्य सोसाइटी के लोगों को अपने प्लॉट पाने की उम्मीद जगी है। इंदौर की अलग अलग सोसाइटी से पीड़ित प्लॉट धारक आज इंदौर कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पीड़ा संबंधित अधिकारी को बताई। इंदौर निपानिया स्थित शिशु कुंज कॉलोनी के रहवासियों ने नालंदा इंफ्रास्ट्रक्चर संजय अग्रवाल पर रजिस्ट्री नहीं करने का आरोप लगाया। दरअसल सनकी अग्रवाल द्वारा 2015 में कॉलोनी काटी गई थी, जिसमें प्लॉट धारकों की रजिस्टर नहीं हो पाई थी, जिसकी शिकायत कई बार संबंधित अधिकारी को करने के बावजूद भी रजिस्टर नहीं बन पाई। इस दौरान प्लॉट धारक विशाल मित्तल ने बताया कि संजय अग्रवाल ने 2015 में जमीन की अनुमति ली गई है, हालांकि अनुमति में भी कुछ गड़बड़ी की बात सामने आई थी, जिसमें रहवासी फर्जीवाड़े डॉक्यूमेंट भी निकाल रहे हैं। ग्राम निपानिया स्थित शिशु कुंज में ग्रैंड कॉलोनी का नाम के नाम से रखा गया था, जिसमें नालंदा इंफ्रास्ट्रक्चर संजय अग्रवाल ने प्लॉट काटे थे, जिसमें कुछ लोगों की रजिस्टर तो हो चुकी है, लेकिन अभी भी 30 सदस्य ऐसे हैं बचे हैं जिनकी अभी तक रजिस्टर नहीं हो पाई है। कई बार संजय अग्रवाल को इसके बारे में अवगत किया गया है, उन्होंने केवल आश्वासन दिया है। वहीं शिकायत की बात करने पर संजय अग्रवाल प्लॉट धारकों से कहते हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से कुछ नहीं होगा, इसका निराकरण केवल हमारे द्वारा ही किया जाएगा। वहीं जनसुनवाई अधिकारी ADM पवन जैन ने सभी प्लॉट धारकों को आश्वासन दिया है कि मामले की जांच के बाद संबंधित व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं शांतिनगर सोसाइटी के भी रहवासी अपनी समस्याओं को लेकर आज जनसुनवाई में पहुंचे। वहीं ADM पवन जैन ने बताया कि आज भूमाफियाओं से परेशान फर्जी रजिस्ट्रियों को लेकर लोग जनसुनवाई में आए हैं। उनका कहना है कि प्लॉट धारकों ने जिला प्रशासन ने भूमाफियाओं पर जिस प्रकार से एक्शन लिया है, उसके बाद कई सोसाइटियों के रहवासियों की उम्मीद जगी है। जिस प्रकार से जिला प्रशासन ने कई वर्षों से लंबित अयोध्या पुरी पुष्प विहार में लोगों को प्लॉट पर कब्जे दिए गए हैं, उससे उन्हें भी लग रहा है कि उनका हक भी जल्द मिल जाएगा। हम लोग पिनाकल ग्रेन के हैं और हम पीड़ित लोग हैं, और हमारे जितने भी प्लॉट होल्डर्स हैं उसमें करीब 28 लोगों की अभी रजिस्ट्री नहीं करी है, और कुछ लोगों ने उन्होंने बहुत कर दी है और हमसे पूरे पैसे दे दिए, पूरे भी इतने ले दिए हैं कि हमारी जन्म जिंदगी की पूरी कमाई उन्होंने रख दी है। ये समझ लो, अब हम ऐसे भटक रहे हैं, कहाँ धंधा भी नहीं हुए, सभी काम करते रजिस्ट्री भी नहीं करके दे रहे, और रोज चक्कर इतने साल हो गए। पुराना मामला है ये भाई साहब, करीब 6 साल हो गए, 6 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 6 साल हो गए, यानी ऐसे अटकाते हैं ये सब लोग मिलके कि मार डालेंगे हमको, किसी से 5 लाख, किसी से 10 लाख रुपए लेके इन्होंने रजिस्ट्री की है, हमारे को तो वो भी नहीं कर रहा है। कौन लोग हैं जो ये संजय अग्रवाल हैं, अपोलो टावर में इनका ऑफिस है। हाँ, श्री चंद जगवानी। भैया, हम लोगों ने शिशु कुंज स्कूल के सामने ग्राम निपानिया में स्थित कॉलोनी है, ग्रैंड कॉलोनी, पूर्व में नाम पिनेकल ग्रैंड था, अब उन्होंने पिनेकल हटा दिया है, ग्रैंड कॉलोनी है। नालंदा इंफ्रास्ट्रक्चर वाले संजय अग्रवाल जी ने ये कॉलोनी काटी थी, डेवलप की थी। हम लोगों से अधिकांश भुगतान लेने के बाद भी आज तक हमारी उसमें रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। आपने इसकी शिकायत कहीं सर? हम लोगों को ये हमेशा आश्वासन देते रहे कि आपकी रजिस्ट्री करेंगे, आप शिकायत करोगे तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहना, होगा कुछ भी नहीं, इसकी जगह हम लोग ही इसका निराकरण कर पाएंगे, ये हमें आश्वासन देके 3-4 साल इन्होंने निकाल दिए। कितने प्लॉट हैं ऐसे? हम 30 लोग हैं जिनके प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। कब का मामला है, कौन से सर? ये 2015 में हमने प्लॉट लिए थे, इन्होंने अनुमति भी तब ली थी, अनुमति में भी कुछ गड़बड़ है, वो भी हम डॉक्यूमेंट निकलवा रहे हैं, जिससे मालूम पड़ेगा कि अनुमतियों में भी इन्होंने क्या फर्जीवाड़ा किया। जनसुनवाई में आए हैं, आपको क्या आश्वासन मिला है? सब सामने बोला है कि मैंने SDM साहब को मार कर दी है, आप SDM साहब से जाके मिल लीजिएगा, वो क्या उसमें एक्शन लेते हैं, संबंधित थाने को क्या बोलते हैं, वो आपका बाकी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया सामने। अपना नाम? विशाल मित्तल। 1988 में कंप्लीट पैसा दिया था, उसके बाद मेरे पिताजी आए जिन्होंने डेवलपमेंट फीस भी जमा कराया, उसके बाद सेकंड रजिस्टर्ड ADD से पोस्ट करते हैं कि आप डेवलपमेंट फीस आखिरी को जमा कर दें, लेकिन जब पर्सनली जमा करने जाते हैं तब कहते हैं कि अभी आइडिया में केस चल रहा है हमारा, तो अभी आप जमा ना करें। जितनी बार जाते हैं वो यही आर्ग्यूमेंट देते हैं,
लेकिन उसके बाद फिर 2011 में ये बताते हैं कि अभी केस लंबी चल रहा है, आप जमा ना करें, और फिर बताते हैं आपको रजिस्टर डेडी करा करा है, डेवलपमेंट फीस 3 लाख रुपए डिमांड करा है, लेकिन आपने नहीं दिया। लेकिन रजिस्टर डेडी आज तक हम लोगों को नहीं मिला, उसी पते पर रहते हैं लास्ट 30 साल से, लेकिन आज तक नहीं मिला। पैसे जमा करने को तैयार है, फिर वो एक तरफ लिखते हैं कि आप वो डेवलपमेंट फीस अभी जमा कर दें नहीं तो 20% इंटरेस्ट लगेगा। हम आज भी भरने को तैयार हैं, लेकिन वो बिना रजिस्टर डेडी के डिमांड करके। ये शांति नगर सोसाइटी का है, आनंद कुंज। अभी हमने महोदय साहब को यही शिकायत कराई कि हम लोग पैसे देने को तैयार हैं, हम लोगों को डिमांड का आज तक नहीं मिला, पर्सनली जाते हैं तो वो मना करते हैं, अभी आइडिया में केस चल रहा है, अभी जमा ना करें, और फिर वो डिफॉल्टर बता के वो प्लॉट नहीं देना चाह रहा है। आपका नाम बताएं? श्रेयांश शाह। मेरे पिता दादाजी ने प्लॉट खरीदा था पोपटलाल वाड़ीलाल शाह, मेरे पिताजी हैं राजेश चंद्र पोपटलाल शाह, और अब तीसरी पीढ़ी आ गई है सर। मैं प्रोफेसर धन्नालाल गोयल, मेरी लड़की, मेरे कजिन ब्रदर जिनकी डेथ हो गई, उनके प्लॉट इसमें है 1987 से, लेकिन ये मालपानी सत्यनारायण मालपानी जो है वो कुछ सुनता नहीं और धौस देता, बोले जो बने सो करो। ये इसका अध्यक्ष है शांति नगर सोसाइटी सत्यनारायण मालपानी। तो अभी कहीं शिकायत कब से कर रहे हैं? अरे हम तो 1.5 साल पहले भी करी थी, और हमने देखो ये 19 ये IG को भी लिया, 98 में भी शिकायत करी थी। बस वो बोले कि आप दे जाओ अपने कागज, जैसा होगा करेंगे। मेरा निवेदन ये है कलेक्टर महोदय से या प्रशासन से कि जैसे आपने दूसरे लोगों को बंद किया है, ऐसे भू माफिया ये मालपानी भी, इसको भी बंद करना चाहिए। आप हैं धन्नालाल गोयल है मेरा नाम जी। ये मालपानी मेरा स्टूडेंट रहा हुआ है साहब, आपको बताऊं, मैं कॉलेज में 12 साल प्रोफेसर था कॉमर्स कॉलेज में, ये मेरा स्टूडेंट है, मेरे को ही धौंस देता है कि तुमसे बने जो करवा। और सुप्रीम कोर्ट उपभोक्ता फोरम, देखिए आज जन सुनवाई में ना अधिकतर मामले भूमाफियाओं से परेशान लोगों ने किए हैं कि हम उनको, लोगों ने रजिस्ट्रियाँ कराई हुई थी, उनको प्लॉट पर कब्जे नहीं दिए जा रहे हैं, फिर कुछ सोसाइटीज़ के विरुद्ध भी शिकायतें लोग लेके आ रहे हैं, जिस तरह से उस बिहार और अयोध्यापुरी कॉलोनी में लोगों को प्लॉट के कब्जे दिए गए हैं, तो लोगों का विश्वास सरकार के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर बड़ा है, और उनका ये मानना है कि निश्चित रूप से उस समय बाद उनको भी उनके हक मिल जाएंगे। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।